मुज़्ज़ज़ा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने बांका जिले की सिमरिया पंचायत की ललिता देवी से पूछा कि उन्हें केंद्र सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है। रूम होते थी लेकिन प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कतें आई क्या? सरलता से प्राप्त कर पाई आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो ललिता देवी जी से इन योजनाओं को लेकर उनके अनुभव साझा करें। ललिता देवी जी प्रणाम। प्रणाम सर। ललिता जी बताइए अपने विषय में। पतिना विजय दास, घर पसिया, पंचायत डुमरिया, प्रखंड बेलर, जिला बांका। अच्छा ललिता जी, आपको सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला है? भारत सरकार की जो योजनाएं थी उसमें से कौन सी योजना थी जिसका आपको लाभ मिला है? घर मिला सर। घर जैसे पहले माटी घर चले सर, नारा घर, जैसे माटी घर नारा घर चले, बहुत चुभे चले पानी सर, बच्चा बुतरू बहुत दिक्कत होवे चले सर। आज जब पक्का मकान होले कोई चीज के दिक्कत नहीं होवे छे सर, बच्चा बुतरू बहुत बढ़िया से रहे छे। आ पहले बहुत दिक्कत होवे छले, आ संगे संग शौचालय बना लिए सर, जैसे लटाले बाहर रहे छलिए, शरम लगे छले सर, अब शरम नहीं लगे छे, सब बच्चा बुतरु मिली के सब मिल के घर शौचालय करे छे, आ सब गांव टोला वाला लगा के सबके शौचालय हो गए सर। ललिता देवी जी बच्चों को पढ़ाती हो? हाँ सर। क्या पढ़ते हैं बच्चे? बड़ी लड़की बीए में, आ एक और बड़ा बेटा है वो इंटर के, एगो छोटी लड़की वो नम्मा में, एक तो छोटा बेटा सतमा में। अच्छा अभी अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया तो बच्चों को पढ़ाई की भी सुविधा हो गई होगी, आराम से पढ़ पाते हाँ, होंगे। हाँ सर। घर में काम में मदद करते हैं पढ़ने गए तो? हाँ सर करते हैं। सरकारी, हाँ हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई गए थे सर, अपने बहुत बढ़िया लगे थे, सुविधा हो गई थे। देखिए अब तो आपको घर मिल गया है तो अच्छे घर में बच्चों की शादी भी हो पाएगी। हाँ सर। गैस मिल गए, गैस चूल्हा मिल गए सर, पहले लकड़ी बैठा खाना बनाबे छलिए तो धुइयां लागे छले आँखी में, आए अब बहुत बढ़िया सुविधा हो गए तो बच्चा बुतरू खाना उना जल्दी सा बनाए के सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूल भेज दे। अच्छा गाँव में अभी भी कुछ लोग होंगे जिनका मकान अभी बनना बाकी होगा, क्योंकि हमने तय किया है कि जिनको अभी मकान नहीं मिला है उनको हम बना रहे हैं। हो सकता है किसी को दो महीने देर से, किसी को चार महीना देर से, लेकिन सबको मिलेगा। जब आपका घर बन गया है, आप जिन लोगों को गरीब परिवारों को जानती होगी जिनका घर नहीं बना होगा, तो वो क्या बोलते हैं आपको? हाँ। आप उनको क्या समझाती हो? हाँ सर। उनको विश्वास देती हो कि घर मिल जाएगा? बढ़िया समझाइए सर। हाँ चलिए ललिता देवी जी प्रणाम आपको। मुझे अच्छा लगा आपने इतना संतोष व्यक्त किया।